वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने, और कहाँ जा रहे हैं वो हम वहीं जाकर आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम, अभी ड्राइवर आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो गए हम तो इसलिए थोड़ा, चलो नीचे जाते हैं। ड्राइवर आ चुका है, अब हम निकलते हैं। चारों तरफ जो खेत दिख रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देख के पुनीत बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि उसने कभी ये खेत वगैरह देखे नहीं है, तो उसको खेत वाला माहौल और गांव वाला माहौल देखने को मिल रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है और सूट भी कर रहा है। तो बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना, बहुत टाइम के बाद घर से बाहर निकलो और ऐसी अच्छी सी जगह पर जाओ जहाँ पर खुला माहौल हो। तो अब ये जो है ना, अब हम पहुंच चुके हैं समझ लो। अब ये हमने अंदर की तरफ एंट्री कर ली है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे अंदर की तरफ एंट्री कर ली है। तो ये कच्चा रास्ता है मिट्टी वाला, हम रोड पे तो रोड से तो हम नीचे आ गए हैं, अब ये मिट्टी वाला रास्ता है। तो ये चारों तरफ मिट्टी उड़ रही है और बिल्कुल चारों तरफ खेत खेत है और बिल्कुल बीच में मिट्टी वाला रास्ता है, बिल्कुल भी पक्का नहीं है। ये देखो ट्रक वगैरह आ रहा है और हम पहुंच भी गए वहाँ पे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ गए हैं। तो बहुत टाइम से आने का मन था बच्चों का, बट ऐसे ही आ नहीं पाए थे। आज फाइनली हम पहुंच गए हैं और ये है मेन एंट्री गेट। तो यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद में जो वहाँ पर जो लेडीज है वो हमारा वेलकम करेंगी। ये जो भी आता है गेस्ट उसका वेलकम करती हैं फूलों से। तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है मुझे तो, स्टार्टिंग से ही अच्छा लग रहा है माहौल। अंदर तो लग रहा है और भी ज़्यादा होगा। और ये टिकट काउंटर है यहाँ पास में सामने, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हो और ऑफलाइन भी करा सकते हो। और ये देखो टिकट काउंटर है। तो हमने तो खैर ऑनलाइन नहीं कराई थी, हमने जाके वहीं पे ली थी। आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, एक टिकट पे शायद 50 रुपीज़ कम पड़ जाता है। और यहाँ से हमने एंट्री की है, यहाँ पर हमें बैंड बांध दिया गया था जिससे पता चले कि हाँ हम टिकट लेकर आए हैं। यहाँ पर ये म्यूजिक ढोल ढमाके बजा रहे हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं, जो वेलकम जो आता है जाता है उसके वेलकम में ही अपना नगाड़ा बजाते रहते हैं। और बहुत अच्छा म्यूजिक है इनका, म्यूजिक बहुत बढ़िया है। अब देखो जा रहे हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट वाले एरिया में जा रहे हैं। अभी हम पूछते हैं किससे कि कहाँ पर है ब्रेकफास्ट, क्योंकि 12:30 बजे तक का ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम वैसे ही लेट हो गए, 11:45 बजे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे जाके और उसके बाद इंजॉय करेंगे। तो पहले पेट पूजा, बाद में शाम पूजा। तो ये सामने शायद लग रहा है मुझे ब्रेकफास्ट का एरिया। हाँ, ये सामने ब्रेकफास्ट का एरिया है, इधर की तरफ घूमने का है। ये जो जा रहे हैं गर्ल्स वगैरह, ये देखो ये इधर घूमने का है और ये सामने ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। 12:30 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बाद ये हटा देते हैं, फिर 1:30 बजे से लंच का टाइम हो जाता है, तो 1:30 से 3:30 तक लंच टाइम रहता है। तो ब्रेकफास्ट तो अच्छा सुना है, देखते हैं खा के कैसा होता है ब्रेकफास्ट। ये सारा अंदर बैठ के भी खा सकते हैं, इधर भी बना हुआ है बैठ के, देखो ये सामने। तो ये हमारा नाश्ता आ चुका है। तो नाश्ते में हमने और भी सामान था, बट मैंने खाली आलू की सब्जी ली है, दही ली है, आलू का पराठा और एक पूड़ी ली है, अचार है, हरी मिर्च है और साथ में वो बोलते हैं ना जो छाछ है, सादा पानी है, नींबू की सिकंजी है, ये सामने रखी है प्लेट में। ये इसमें 3 गिलास पानी ला के दिया था उन्होंने, 3 सिकंजी और 3 छाछ। और मैं उनको बोल रही थी कि इतना एकदम से हम थोड़ी ना खा लेंगे, तो उन्होंने ला के रख दिया। तो हम लोग
खा पी के आराम से। ये देखो सारा एरिया है खाने पीने का, कहीं पर भी बैठ के खा सकते हो आप, ऐसा कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ मत खाओ वहाँ मत खाओ। ये देखो सारा अलग अलग बना रखे हैं, कहीं पे मक्के की रोटी बन रही है, कहीं पे बाजरे की रोटी बन रही है, और यहाँ पर गरम गरम जलेबी बन रही है। तो जलेबियाँ तो रखी थी बनी हुई, बट वो भैया बोले आप गरम जलेबी खाना है तो आप बनवा लो। तो मैंने इनको बोला भैया को, तो इन्होंने फटाफट से हमें 5-7 जलेबियाँ बना के दे दी गरम गरम। और यहाँ पर गरम दूध भी है, तो आप गरम दूध के साथ भी पी सकते हो, खा सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हो। तो उन्होंने मेरे, तो ये गरम गरम जलेबी मैं लेके जा रही हूँ बच्चों के पास। और ये शायद लंच का लगा रखा है इन्होंने, अभी लंच 1:30 बजे लगाएंगे, तो अभी इधर रखा हुआ है। और अब हम इधर घूम रहे हैं थोड़ा सा, तो भैया बोले कि पहले ना इधर घूम के तब जाओ आगे, इधर थोड़ा सा एरिया है छोटा सा, तो पहले इधर घूम लेते हैं, उसके बाद उधर बहुत सारा है, सारा कुछ जो भी है तो उधर है, तो पहले हम इधर घूम लेते हैं। तो इधर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये यहाँ पर कठपुतली का डांस हो रहा है, एक आंटी है वो गाने गा रही है बैठ के। ये कठपुतली का डांस जैसे कि एक ग्रुप टाइप का होता है ना, 10 लोग 5 लोग 8 लोग, तो फिर ये कठपुतली का डांस सिखाते हैं। अगर नहीं तो फिर ये आंटी जो है गाना गाती रहती है बैठी पूरा दिन। और ये पुनीत अपने आराम से घूम रहे हैं। पुनीत ने बोल दिया मेरे से कोई कुछ मत बोलो, मुझे घूमने दो, क्योंकि मैं घूमने आया हूँ और मुझे घूमने दो। और धूप में बड़े आराम से घूम रहे हैं। अब हम इधर जा रहे हैं, तो ये अंकल हैं, ये अंकल भी कुछ देखो क्या करते हैं, इन अंकल का भी कुछ एक्टिविटी होगी, अभी पता चल जाएगा क्या एक्टिविटी है अंकल की। चलो अंकल के पास चलते हैं। ओके, तो ये अंकल जी पगड़ी बांधेंगे, ये अंकल जी हमारे सबके पगड़ी बांधेंगे, और उसके बाद हम फोटो सेशन करेंगे। तो यहाँ पर दड़ी बनाते हैं अंकल, और किसी को अगर चलाना है तो चला भी सकता है, जैसे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ले रही हूँ इसका, दड़ी बनाने का किस तरह से बनाते हैं, और अंकल जी मुझे सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है।
रोक दो भाई, रोक दो। घुमाओ भैया घुमाओ यार, क्या कर रहे हो? अरे घुमाओ तुम, घुमाओ यार। ये चारों तरफ खेत खेत हैं, यहाँ पर उन्होंने सब्जियाँ बोई हुई हैं, सब्जियाँ और धनिया, हरी मिर्च, मूली, गाजर, बहुत सारी सब्जियाँ इन्होंने बनाई उगा रखी हैं यहाँ पे। ये देखो पूरा ही खेत बना रखा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है काफ़ी। फुलवाड़ी वगैरह भी सारा बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा रखे इन्होंने, अभी दिखाऊँगी आगे आपको। ये देखो बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है यहाँ पे, धूप है थोड़ी सी, अदरवाइज मतलब यहाँ पर सर्दियों में आने का मजा है। ये मैजिक यहाँ पर मैजिक करता है, बहुत अच्छा मैजिक करता है। चाहिए भी पैसे वापस है, देखिए भाई मेरे को दे दिया। मैम आपने नोट दिया था, नोट टेबल दिए थे मैम, जब नोट से कागज हो सकता है तो कागज से भी नोट हो सकता है। ये हमारा लास्ट मैजिक है और इसी मैजिक में बड़ी बड़ी मैडम लोग दे जाते हैं खुशी से। अच्छा आपके पास रिंग है? रिंग भैया निकल गई, कल निकलेगी और भैया अभी जाना है थोड़ी देर में। मैडम जी चाकू है हमारे हाथ, वो कट के निकाल देंगे, आ जाना मैडम जी का। Oh,
मेरी फोटो बोल रही हूं, वीडियो कॉल कर। मैं मेरे फोन में एक तो मेरी फोटो नहीं यार, ये बहुत क्विक किक अराउंड टू रिलैक्सिंग। हां ये इतना रिलैक्स। अरे वो बस में, अरे है बड़ी धूप है।
लगती कमाल। अब एक बार दो टायर पकड़ दो इसे। बच्चों की 650 की, जिसमें आपका खाना पीना सब इंक्लूड होता है, स्नैक्स चाय पूरा दिन वो सब कुछ इंक्लूड होता है। आपको ओनली 1140 रुपये देने, 650 रुपये बच्चे के देने हैं, बाकी आपको अंदर एक भी रुपया नहीं खर्च करना है। सारी एक्टिविटीज़ फ्री, सारा लंच ब्रेकफास्ट और जो भी खाना पीना है वो सब फ्री है, सारा टिकट में इंक्लूड होता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, अमेजिंग जगह है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप टाइम पास कर सकते हैं पूरा दिन, बच्चे खेल सकते हैं, बड़े भी पूरा दिन टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। और मैं तो कहूँगी हर फैमिली को एक बार ज़रूर आना चाहिए अपने बच्चों के साथ में, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है और आपको महंगी भी नहीं लगेगी। बहुत जो चीज़ मैंने देखी है, जो हिसाब देखा उसके हिसाब से बहुत ही सस्ती जगह है एक तरह से। और चलो अब यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये जगह, और आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।